छत्तीसगढ़ जनजाति के 30 प्रश्न देखेंगे जो टोटल आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चाहे आप व्यापम की तैयारी करें या पीएससी की, चाहे हौसल वाड़ाने की तैयारी करें, चाहे एडीओ का, चाहे प्रयोगशाला परिचालक का, छत्तीसगढ़ का टॉपिक वाइज पूछा जा रहा है, तो जनजाति से क्वेश्चन करेंगे। तो पहला आपके सामने जितने भी प्रश्न आपको कराने वाला हूँ, सी जी पी एस सी व्यापम जितने भी अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, वो प्रश्न है वन लाइनर में। तो छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट किस जमींदार के थे? तो आपका आंसर होगा बिंझवार। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव के अनुसूचित जनजाति के अबुझमाड़िया जो है आपका सी जी पी एस सी 2017 में पूछा गया है ना, तो इसका आंसर ये होगा। उसी प्रकार प्रजा जनजाति का अन्य नाम क्या है? तो प्रजा जनजाति को ध्रुवा जनजाति के नाम से जाना जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आई होप कि वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगेन क्लास के लिए, ठीक है। जनजाति में कौन सा है जो कांकेर एवं बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती? तो याद रखना हमेशा कांकेर और बस्तर जिला, ठीक है, आपका पारधी। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आओ जनजाति, आओ नहीं माओ पाटा जनजाति जो आप सुने होंगे ना, कबीरधाम जिले में सी जी पी एस सी 2010 में। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि वीर नारायण सिंह जो है कौन से समूह के कौन से समूह का जनजाति से संबंधित है? तो बिंझवार जनजाति सोना खान से संबंधित है, बलौदा बाजार जिला में, है ना। इसका टॉपिक वाइज कवर हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मिल जाएगा, पूरा थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव समझाया जा रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कल से पार्ट वन वीडियो आएगा आपका, ये आपका तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले आप थ्योरी समझोगे ना, इससे आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा जनजाति का, और टॉपिक वाइज क्लियर कराएंगे ट्रिक के माध्यम से। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में जो राज्य बिंझवार जनजाति है कौन सा है, तीर से संबंधित है, और मुरिया जनजाति है, उसका निवास क्षेत्र नारायणपुर में, आपका सी जी पी एस सी 19 और 2016 में पूछा है। पाइका ये तो हमेशा एग्जाम में पूछता है, पाइका जो पाइक है ना कौन सा जनजाति से संबंधित है? कंवर जनजाति, अब याद रखना कंवर जनजाति। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बिहार वाला, ठीक है, 11वां। 30 क्वेश्चन करने हैं तो फटाफट करते हैं, ठीक है। तो 12वां है बस्तर के किस जनजाति को मूल निवास उड़ीसा राज्य है? तो गदबा। और याद रखना बिहार जनजाति मुख्यतः कौन से जिले में निवास करती है? तो सरगुजा, याद रखना इसको नोट कर लीजिएगा, सरगुजा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे ककसार, है ना। देखिए जो ककसार है ऐसा कौन सा जनजाति है जो ककसार नृत्य से संबंधित है? तो अबुझमाड़िया। कल हमारे क्लास आएगा पेय पदार्थ से देवी देवताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम कल आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ जनजाति में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है जिसमें आपका 161 उप समूह है, ठीक है। और सर्वाधिक जो जनजाति है ना वो गौड़ जनजाति पाई जाती है, कितने परसेंट? वो भी 50% गौड़ जनजाति, ओके। और अबुझमाड़िया जो है ना इसकी उप जनजाति है, अबुझमाड़िया क्या है, इसकी उप जनजाति है। पूरा टोटल मैं क्लास कराने वाला हूँ क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जनजाति, मैं आपको पूरा टॉपिक कवर करा दूँगा कल के वीडियो में, तो आप लोग इंतज़ार करते रहिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में जो आदिम जनजाति पीटीजी ग्रुप है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 2019 में पूछा गया है। अब धनका कौन सा है? तो उराव है, ये व्यापम में तो कई बार पूछता है, उराव उसका प्रसिद्ध है, व्यापम का खेली है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। और सर्वाधिक अगर साक्षर जनजाति पूछा जाए तो प्रतिशत में, याद रखना आपका हलवा होगा प्रतिशत में, और साक्षर सर्वाधिक पूछा जाएगा तो उराव डालना, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षर जनजाति तो उराव, अगर प्रतिशत के लेवल के आधार पर पूछा जाएगा तो हलवा लेना, ठीक है। 78% है इसका हलवा का, है ना। और जो उराव का है ना 70% के आसपास है, 70-72% का, ठीक है। अब देखेंगे जो अबुझमाड़िया है जो कौन सी जनजाति की उपजाति, अभी आपको बताया ना गौड़ जनजाति 2019 में पूछा है। और गुरावट विवाह को विनिमय विवाह के नाम से जाना जाता है, कौन से विवाह? विनिमय विवाह। घोटुल किस जनजाति से संबंधित है? मुरिया जनजाति से, सी जी पी एस सी लाइब्रेरियन में पूछा गया, हाल ही में प्रयोगशाला का बहुत जल्द एग्ज़ाम हो सकता है। और सेवा विवाह जो है ना लमसेना वो छत्तीसगढ़ जनजाति का है, गौड़ जनजाति। सल्फी जो है आपका पेय पदार्थ है, कौन से जनजाति? सल्फी का लोकप्रिय है माड़िया। और छत्तीसगढ़ में जो पुनर्विवाह होता है ना उसको चूरी पहना विवाह या फिर अर उत विवाह भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा विवाह यानी कि कौन से जनजाति में प्रसिद्ध है? तो गौड़ जनजाति, क्योंकि उसमें मामेरा फुफेरा भाई बहन का भी विवाह किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर
कि गोदना गोदवाने वाली सबसे जनजाति कौन सी है। ओझा याद रखना, गोदना क्या बोला गया है, गोदना गोदवाने वाली है ना, गोदना गोदने वाली नहीं पूछा है, गोदवाने वाली पूछा गया है। तो गोदना गोदवाने वाली जनजाति है आपको ओझा है। यह आपका CGPSC 2020 में लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सा है, तो लोहा बनाने वाला है आपका। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, 7 से 8 मिनट लगेगा इस वीडियो में, है ना। वीडियो को देख के जाना और वीडियो को लाइक जरूर करना, है ना, और सब्सक्राइब कर लेना। हमारे क्लास आने वाली है डेली क्लास, चाहे आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। छिंदी पत्ते से चटाई और टोकरी बनाते हैं सीजी में, सहकारी में शिकारी के लिए, और लोहे की पूजा दुर्गा देवी के लिए है। तो कमार जनजाति बस्तर के दशहरा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, है ना। तो बस्तर के दशहरा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका टॉपिक भी लेकर आऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा बस्तर के दशहरा से, जो कि 75 दिनों तक के लिए मनाई जाती है, तो इसका हम क्वेश्चन लेकर आएंगे कल के वीडियो में। इंतजार करिएगा, बस्तर के दशहरा से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम टोटल आपको पूरा एक हफ्ते की क्लास लगेगी, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ रहेगा पूरा स्टेप बाय स्टेप कराया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास की क्लास अभी आज रात 7:30 बजे आने वाली है, ठीक है। और ये वीडियो सुबह आपको मिलेगी। सड़क जुड़वाज हिंदी का शांति की ओर लौटो होता है। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो आपका है ढुंकू प्रथा। छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति लोगों में प्रचलित है, जून उसको हट विवाह भी कहा जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना।